विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतगणना की तैयारी है जो 11 दिसंबर को होगी। मतगणना तक सातों विधानसभा की ईवीएम और वीवीपैट मशीनें स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धार में रखी गई हैं। वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। जिला कांग्रेस को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, जिसके कारण जिला कांग्रेस ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में एक टेंट लगाकर अपने कुछ कार्यकर्ताओं को निगरानी के लिए बैठा दिया है। जब वहां बैठे कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिला कांग्रेस के निर्देश पर यहां तैनात हूं। कई जगह से वोटिंग मशीन में हेरफेर करने की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए पार्टी ने मुझे यहां पर बैठाया है। आयोग के निर्देश हैं कि अभ्यर्थी या उनके द्वारा कोई व्यक्ति अधिकृत रूप से मतदान अपने स्ट्रांग रूम के बाहर जो है चौकसी के बतौर वो रह सकता है। इन्हें विधिवत हमारे यहाँ से इनको पास जारी किए गए हैं और ये इसकी निगरानी के लिए यहाँ रखे हुए हैं ताकि वो ये देख सकें। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें वो अंदर की भी पोजीशन देख सकते हैं। ये आयोग के निर्देशानुसार रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी दल से हैं, सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, जिला कांग्रेस के निर्देश के पे बैठे हैं, क्योंकि कई जगह जैसे कि सागर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन जैसे कई जिलों से शिकायतें लगातार मिलती रह रही है। वीवीपैट के साथ छेड़छाड़ की घटनाएँ हो रही हैं, तो निगरानी के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं।